अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सब हूँ कहते हैं अपने नए व्लॉग के साथ। और आज का जो व्लॉग है ये जनाब मैं सही टाइम पर ना आ रही हूँ इस, और सही टाइम की वजह से मेरी आँखों में आप लोगों को नींद भी नज़र आ रही है क्योंकि रोज़ों की वजह से हम लोगों को प्रॉपर नींद नहीं हो रही पूरी, और हर वक्त आँखें जैसे है ना वो नींद से भरी होती हैं। और चूंकि आप लोगों को पता है कि जैसे कि लॉकडाउन है और कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स वगैरह ऑफ हैं, पहले ये होता था कि बच्चों को सुलाते हुए आपकी जो है वो टाइम टेबल बन जाता था, तो अब चूंकि बच्चों को भी पता है कि इसका स्कूल नहीं जाना, तो बच्चे भी माँ बाप के साथ जनाब बहुत ज़्यादा डिले हुए हैं, तो रात तक जाते हैं हम लोगों के साथ। उसके बाद जब हमारी नींद थोड़ी सी पूरी होती है तो ठीक एक दो घंटे बाद जनाब सहरी का टाइम हो जाता है, फिर सहरी के बाद आप सहरी करें, नमाज कुरान पढ़ें, और उसके बाद सोते सोते तकरीबन सुबह का टाइम हो जाता है, 5-6 तो लास्ट में बज जाते हैं, तो फिर उसके बाद जाके थोड़ी सी नींद पूरी होती है और फिर आप दोबारा जनाब उठते हैं। तो प्रॉपर नींद जो है ना वो पूरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। स्पेशली मैं खवातीन की बात कर रही हूँ, बहुत सी खवातीन की नींद जो है ना वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। मर्द हज़रात तो अपनी नींद जैसे तैसे पूरी कर लेते हैं, लेकिन हम खवातीन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। बहरहाल अल्लाह ताला ने हैर हरी से रमज़ान जो है वो गुजार दिया है, एक रोज़ा रह गया, उसके बाद इंशाल्लाह ताला ईद आ जाएगी और वो भी हैर हरी से गुजरे और हम लोग खुशी से इसको सेलिब्रेट करें इंशाल्लाह ताला। तो मेरा ये व्लॉग सडन आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि मेरी कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप अपने अफ्तारी और सहरी की रूटीन जो है वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आप किस तरह से गुजारती हैं। तो मेरा इरादा भी था कि मैंने कहा चलो मैं किसी दिन कैप्चर करके एक दिन या दो दिन किसी भी रोज़े में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अफ्तारी करती हूँ, सहरी करती हूँ, और उस दौरान क्या क्या होम चोर्स हैं जो मुझे करने पड़ते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन हुआ यूँ कि रमज़ान के मीट के बाद मैं स्नैक्स वगैरह जो है वो जनाब फ्राई कर रही थी, तो उसमें कुछ वेट मटेरियल था जो कि मैंने जो मैंने ब्रेड वगैरह पे लगाया था, तो वो जो वेट मटेरियल था मैंने कहा बाकी बच गया, मैंने कहा वेस्ट करने के बजाय इसको समोसे और रोल वगैरह में फिलिंग कर देती हूँ। तो वो जब मैंने उसमें फिलिंग करके ऑयल में फ्राई किया तो ये एकदम स्पार्क हुआ और ऑयल की जो गर्म गर्म ऑयल की छींटे हैं वो मेरे मुंह के ऊपर जनाब आके गिरी हैं, और ये आपको स्पॉट नज़र आ रहा है ये, और ये मेरे नाक और आईब्रो के करीब, इवन कि मेरे गर्दन तक नेक तक जो है वो मेरे इसकी जो छींटे हैं वो मेरे मुंह पे आ गिरी हैं, और जिसकी वजह से चेहरा जो था वो काफ़ी ज़्यादा मेरा डैमेज हुआ था। अभी भी आप लोगों को क्रीम जो है वो लाइट सी लगी हुई नज़र आएगी। फिर मैंने अपना जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया, मैंने कहा मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड करूँगी और एंड में जो है वो आप लोगों के साथ ये जो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन इस दौरान थ्रू आउट मैं पिक्चर्स बनाती गई हूँ और कम्यूनिटी टैब में जो लोग मेरी डेली बेसिस पर मैं शेयर करती थी उधर, वहाँ पर मुझे लाइकिंग और शेयरिंग, और इसके अलावा मुझे वहाँ पर उनके कमेंट्स मिलते थे कि वो मेरी ये सहरी की जो जिस तरह से अफ्तारी में जिस तरह से मैं तैयारी करती थी उसको किस तरह से लाइक कर रहे हैं। तो मैंने कहा वो सारी पिक्चर्स जो हैं वो मैंने कैप्चर की थी, इस वीडियो की सूरत में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि किस तरह से हम लोग अफ्तारी करते रहे हैं और किन किन चीज़ों के साथ डेली बेसिस पे हम लोग करते रहे हैं। और उसमें जो एक चीज़ मैं शेयर कर दूँगी, उसमें जो दस्तरखान लगा हुआ है वो ज़ाइना ही उसको मैनेज करती रही है, किस तरह से उसको रख रही है ये ज़ाइना ने ही अफ्तारी और अफ्तारी में चीज़ों को रखने में और उठाने में उसने मेरी मदद की है, और उसका क्रेडिट है, सिर्फ पिक्चर्स जो है वो मैं जनाब लेती नहीं। ठीक है, तो मैं अभी वो पिक्चर्स जो है वो साथ अपलोड कर दूँगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो जो कि मैंने एंड में रमज़ान के एंड में बनाई है वो आप लोगों को कैसी लगी, तो मुझे लाजमी आप लोगों की लाइकिंग से और कमेंटिंग से पता चलेगा। आप लोग मेरी असमर की वीडियोस दूसरी तो देखते हैं जो नेट पिकिंग की हैं, ऑयलिंग की हैं, मसाज की है, लेकिन आप वीलॉग पे मुझे बहुत कम रिस्पांस देते हैं। काइंडली प्लीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ पे भी रिस्पांस दिया करें ताकि मेरे अंदर और से और जज्बा पैदा हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ वीलॉग भी शेयर करूँ। तो ये थी मेरी वीडियो,
ہوپفلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی, تو آپ لوگوں نے بتائیے, مجھے بتانا ہے. ٹھیک, انٹل دا نیکسٹ ویڈیو, سب ہم تو 10 کو اجازت دیں, اللہ حافظ, بائے بائے.